गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो है आज मैं आपको जो है हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री सम एप्लीकेशन और ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है क्लियर कराऊंगा। इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम रही है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन जो है आप लोग बुक में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है। ये दिया हुआ है स्टेट हाईवे, ओके दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये कहा गया है कि यहाँ पर सपोज दैट एक मैन है टावर पे और ये यहाँ से कार है, दिस इज अ कार, ये कार यहाँ पर है ठीक है। ये क्या देखता है एंगल ऑफ जो है डिप्रेशन, यहाँ देखेंगे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना रहा है। 6 सेकंड के बाद ये यहाँ आता है, आफ्टर 6 सेकंड के बाद कार जो है डी पे मूव करती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके बाद देखा गया कि 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। अब ये क्वेश्चन बता रहा है कि कितना टाइम लगेगी कार जो है फुट ऑफ द टावर पे जाने के लिए ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ द कार एक्स मीटर पर सेकंड मानना है। मीटर पर सेकंड दिया क्योंकि सेकंड में दिया है, अगर आर में पूछा है तो आर में देना है, मिनट में पूछा मिनट में ठीक है। तो डिस्टेंस जो डीसी का होगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड जो है हमारी एक्स है, टाइम सिक्स है, सिक्स एक्स मीटर। अब हम मानते हैं कि कार को मान लो टी सेकंड लगा यहाँ जाने में, टाइम टेकन टू टी सेकंड लगा, तो डिस्टेंस जो है बी टी की क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम एक्स इनटू टी ठीक है। फिर हमने ये ट्रायंगल कवर किया ए बी डी, तो इसमें एच बाई डिस वन पी बाई बी टेन होता है, पी बाई बी टेन, टेन 60 लिया तो इससे हमने एच की वैल्यू फाइंड कर दी है। फिर हमने क्या किया ए बी सी ट्रायंगल पूरा का पूरा ट्रायंगल लिया ठीक है, जिसमें ये 30 डिग्री बना रहा है, तो एच अपॉन ये पूरी पूरा दिस वन एक्स टी प्लस 6x 10 30 होता है, 10 30 1/√3 होता है, यहाँ देख सकते हो आप 1/√3। अब क्या किया यहाँ से भी एच एच निकाल दिया, दोनों देखिएगा एच को, एच को कंपेयर किया इक्वेट किया तो यहाँ से हमने इक्वल कर दिया और यहाँ एक्स कॉमन ले लिया, एक्स एक्स यहाँ कैंसिल हो गया ठीक। तो यहाँ पर हमने जो है 3 यहाँ पर 3t था, इसे t से माइनस किया तो 2t प्लस 6 तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमने देखा कि आफ्टर 3 सेकेंड के बाद जो है ये कार यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी ओके। तो इसको देखिए ढंग से और समझिए ओके। लिसन हियर, मैं क्लियर दिखाता हूँ, दिस वन ये दिखाया गया है आफ्टर 3 सेकेंड के बाद जो है ये कार जो है डी टू बी तक पहुँच जाएगी, क्लियर ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।